तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। और इस टाइम हो चुका है मॉर्निंग और काम हो चुके हमारे स्टार्ट, जो कि मोस्टली होते ही हैं सुबह उठ के। तो आज मैंने सोचा कि आज सबसे पहले मैं कपड़े वॉश करूँगी, उसके बाद सारे काम होंगे। तो बस इस टाइम हो चुका है 7:30 हो चुके हैं, तो सोचा ज़्यादा कपड़े नहीं थे, फिर भी सोचा भी कर लेती हूँ। अंदर अम्मा जी बुला रहे, फिर बारी बारी में उनको भी देख रही हूँ। तो वो कह रहे थे मुझे चाय चाहिए, मुझे नहाना है। तो ऐसे मैंने गीजर ऑन करने के लिए रखा है, तो बस मैं उनकी बातें भी कर रही हूँ और कपड़े वॉश करके अब मैं आ गई हूँ छत पे। और मैं नहा गई थी, अम्मा जी को मैं नहला दिया था। मैंने सोचा कि पहले इनको भी नहला लेती हूँ, सारे कपड़े उनके भी धो देती हूँ और सारे कपड़े एक बार ही धुल जाएंगे, तो क्या होता है कि काम भी फारिग हो जाता है। तो बस आज धूप भी अच्छी लगी है और आजकल मौसम इतना अच्छा हुआ है कि पूछो मत। ऐसा मन करता है कि सारा साल ऐसा ही मौसम रहे, मतलब मॉडरेट मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड है। तो बस यहाँ पे मैंने जो कपड़े हैं थोड़े थोड़े करके मैं अब डेली निकाल दूँगी, क्योंकि कपड़े का रश ज़्यादा होता है, क्योंकि कर्टन वगैरह भी मुझे एक दो दिन में धोने हैं। तो बस ये सोचा था कि आज मैं थोड़े से कपड़े एक आधी बेडशीट निकाल दूं, तो कपड़े मैंने डाल दिए और अब मैं डाल रही इसमें क्लिप लगा रही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि हवा होती है तो कपड़े नीचे चले जाते हैं छत से, फिर कई बार मिलते भी नहीं है और कई बार ख़राब हो जाते हैं नीचे जाके। तो बस मैं ये क्लिप लगा रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे अपने घरों में। तो जो आज का मैं व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो इस टाइम क्या है, सुबह की सफाई वगैरह हो चुकी है मोस्टली सारी, और अब मैंने सोचा था कि मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट बनाने से पहले सोचा आपसे ही थोड़ी सी बातें कर लूँ। उसके बाद तो किचन में क्या होता है कि कैमरा भी अच्छे तरीके से सेट नहीं हो पाता, कि किचन छोटी सी है, जिससे कि मैं आपके साथ बनाते बनाते कुछ बातें कर सकूँ। तो सोचा कि चलो ऐसे ही फेस टू फेस बात कर लेती हूँ। और बाकी तो कुछ नहीं है, बस आज कपड़े धोने हैं मुझे। और तकरीबन क्या होता है कि वैसे तो कल भी धोए थे कपड़े, आज भी कपड़े हो गए। क्या होता है त्योहारों का वो होता है सीजन, तो कुछ ना कुछ चीज़ अंदर से निकल ही जाती है। सॉरी, नीचे से सब्जी वालों की आवाज़ आ रही है, तो डिस्टर्बेंस है, पर चलो इनका भी अपना काम है। तो बस आज बनाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट में दलिया, और दिन में देखते हैं क्या बनाते हैं दिन में, और फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ किचन में और वहीं पे आपके साथ मुलाकात होगी। तो बस अब थोड़ी देर में मैं किचन में चली जाऊँगी, क्योंकि टाइम हो गया है 8:30 हो चुके सुबह के। तो आज मेरा काम जो है सुबह सुबह ही मतलब हो गया है, नहाना धोना और सफाई वगैरह होगी, उसके बाद सोचा मैं ब्रेकफास्ट बना के बाकी काम करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपको किचन में। फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ किचन में और दलिया मैं बना रही हूँ। तो दलिया मैंने पहले घी में भूना है, उसके बाद मैंने दूध डाल के बनाया है। तो मुझे दूध थोड़ा कम लगा था, तो मैंने दूध और डाल दिया है। तो स्टार्टिंग से थोड़ा रिकॉर्डिंग करना मैं ज़रा भूल गई थी, तो वो थोड़ा स्किप हो गया है। और बस यहाँ पे दूध डाल के तकरीबन ये तैयार हो चुका है, इसमें उबाली आ चुकी है। और चीनी हम इसमें सबसे बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर हम चीनी पहले डाल दें तो दलिया को बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो बस ये उबाली आ चुकी है इसमें, और मैंने डाली है इसमें मतलब एक कटोरी चीनी की, जो कि छोटी सी है, ज़्यादा नहीं हम चीनी डालेंगे। तो ऐसे ही पसंद करते, ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते, बस मैं ही पसंद करती हूँ। तो आज मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का बनाएंगे। और तो ये लोग भी कह रहे थे, कहते ठीक है चलता है, ऐसा भी कभी कभी चलता है। तो बस इसको मैं हिला रही हूँ, देख रही हूँ भी थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। तो ये रेडी हो चुका है हमारा, और मैंने गैस कर दी, उसके बाद बंद। और सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ अम्मा जी के लिए, क्योंकि सबसे पहले मैं उनको दूंगी आज दलिया, और उसके बाद इन सबको दूंगी मैं दलिया। तो बस ये आप लोगों के लिए भी आइए और आप लोगों बताइए कैसे बना है हमारा दलिया, आप इन्वाइटेड हैं। तो बस इसके बाद लंच की तैयारियाँ होने लगी है, बीच में थोड़ा रेस्ट किया था और अब हो रही है लंच की तैयारियाँ। तो बस यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ, और प्याज को मैं थोड़े लंबे में काटूँगी, क्योंकि जब हम सूखी सब्जी बनाते हैं ना कोई, तो उसमें मैं लंबे स्लाइसेज में प्याज काटती हूँ। और यहाँ पे आलू भी मैं मतलब पील कर रही हूँ, और आलू दो डाले हैं मैंने जो कि बहुत बड़े बड़े थे, और साथ में मैंने गोभी भी काटी है। तो आज बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्जी।
तो पहले तो घर में ये चल रहा था कि क्या बनाएंगे, तो मैंने कहा आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊं। मगर जब उन्होंने आलू गोभी की सब्ज़ी देखी तो ये लोग कहने लगे, कहते आज हम पूरियां बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आज पूरियां बना देंगे। तो इसीलिए हमने साथ में आज पूरियां भी बनाई है। तो मैंने कढ़ाई में डाला है मस्टर्ड ऑयल और उसमें डाला है मैंने जीरा। जब क्रैक हो गया था उसके बाद मैंने जो प्याज है वो डाले और उसे मैं थोड़ा सा गोल्डन करूँगी, ज़्यादा मैं भूनूंगी नहीं इसको। और फिर इसमें डालूँगी मैं जो रेगुलर मसाले होते हैं, धनिया, हल्दी, मिर्च और नमक स्वादानुसार। तो बस मैंने ये डाल दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं मैंने डाला है इसमें। और बस थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, क्योंकि नमक कई बार क्या होता है, मुझसे हमेशा क्या होता है, तेज हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, बाद में मैं इनको टेस्ट करवा के फिर और डालूंगी मैं। तो अब मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं और डाली है गोभी की सब्ज़ी। तो जो गोभी में पीछे डंठल होते हैं ना ग्रीन वाले, वो भी मैंने काट के डाले हैं। आप लोग भी कभी काट के डालिएगा, जिससे कि बहुत ही अच्छी गोभी बनती है। मतलब जब बाद में सब्ज़ी बनती है तो ऐसा लगता है कि इसमें कितना सारा मसाला डाला हुआ है, जो कि मसाला न होकर डंठल होते हैं और बोलते हैं कि मतलब जो आगे गोभी का फूल होता है उससे ज़्यादा मतलब यूजफुल चीज़ उसके डंठल होते हैं। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च काट रही हूँ जो लाल हो गई थी। लाल मैंने इसलिए डाली है कि इसमें देखने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ग्रीन तो इसके डंठल थे पीछे से, इसलिए मैंने जो हरी वाली लाल मिर्च होती है वो मैंने काटी है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊँगी और तकरीबन ये सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। और इसको मैं थोड़ी देर कवर करूँगी। और अब बन रही है पूरियां, और आज मेरे साथ बना रहे हैं मेरे पति देव पूरियां पहली बारी। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई थी, उन्होंने अपने आप ही कहा कि चलो आज मैं आप भाई हेल्प कर देता हूँ। और मैं तो कह रही थी भी साथ साथ में गर्मा गर्म पूरियां खाएंगे, तो वो कह रहे थे नहीं हम सब इकट्ठे मिलके खाएंगे। तो बस ये पूरियां तल रहे हैं और बहुत खुशी हो रही थी कि जहाँ पे मैं अकेली होती, बेटा भी कभी कभी हेल्प करवाता है, ऐसी बात नहीं है। तो बस यहाँ पे पूरियाँ बन रही है और वैभव बोला मम्मा कितनी देरी है बनाने के लिए। तो बस मैंने कहा कि बस बनने वाली है पूरियाँ, और ये तो ऐसे खड़े हैं जैसे बहुत थक गए हैं ये। तो बस ये पूरियाँ बन रही है। और फ्रेंड्स सब्जी बहुत अच्छी बनी थी और पूरियाँ भी कह रहे थे ये कि सारी फूली हैं आज। तो मैंने पूरियों के लिए स्पेशली आटा जो गूंथते हैं ना, मोइन वगैरह डाल के, जौन वगैरह डाल के वो बनाया था मैंने। और साथ में मैं हंस रही थी, देखो कितना अच्छा लग रहा है आज। कि पता क्या होता है, जब किसी की हेल्प होती है, जो काम हमारा आधे घंटे में होना हो वो आधे टाइम में पूरा हो जाता है। और सब मिलजुल के हमारे घर में हेल्प करते हैं एक दूसरे की, मिलजुल के हम सारा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक लेडीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, सारा काम करते हैं। और होना भी ऐसे ही चाहिए, तभी घर में खुशहाल माहौल बनता है। और बातों बातों में पता भी नहीं चलता कि कितना काम हुआ है या कितना ज़्यादा काम है। और फिर उसके बाद हम खेलते हैं एक गेम, जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं लूडो। तो बस ये है, और हमारा बन चुका, मैं कह रही हूँ देखो इनको आज पूरे काम पर लगाए हैं ये। और बस ये मोस्टली हमारा बन चुके हैं गोभी और पूरी की सब्जी। और आप लोग भी आइए और हमारे साथ इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और जो नए लोग जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।